तीन महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए संपूर्ण चित बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को निहारते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय में आइए। श्री माता जी हमारे इस हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। भ्रांति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्से 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 नमो नमः। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। पूरा चित बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को निरंतर देखते हुए अपने चित्त को सेंटर हार्ट पे क्लॉकवाइज घुमाते हुए 7 टाइम्स
श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे दस अंगुलियों को एक साथ देखेंगे। अब अपने चित्त को बाएं नाभि पे, लेफ्ट नाभि, श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बार बार प्रार्थना, श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। श्री माता जी हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। बाएं नाभि पे अपने चित्त को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 7 times। शमाते जी हमारे बाएं नाभि में गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट भाव सागर, दाहिने भाव सागर पे, फिर बाएं हृदय, लेफ्ट हृदय पे, राइट विशुद्धि, राइट विशुद्धि पर श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी आप ही हमारी वाणी का माधुर्य तथा कर्मों का सौंदर्य हैं, कृपा करके हमारे बाएं हमारे दाएं विशुद्धि में माधुर्य दीजिए। श्री माता जी आप ही तो श्री विट्ठल और रुक्मणी भी हैं, हमारे दाएं विशुद्धि को शांत कीजिए। दाएं विशुद्धि पर अपने संपूर्ण चित्त को क्लॉकवाइज घुमाते हुए फिर राइट आज्ञा, फिर सहस्त्रार, माँ के श्री चरण कमलों को सहस्त्रार पर देखेंगे, सिर के तालु भाग पर। कहा था कि कुंडलिनी के बारे में विशद रूप से आपसे बताऊंगी और इसलिए आज आपको मैं कुंडलिनी के बारे में बताने वाली हूँ। पर मुश्किल है, आप लोगों को सबको शायद चार्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या सबको दिखाई दे रहा है? ये चार्ट दिखाई दे रहा? इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आपको इन पार्थिव आंखों से नहीं दिखाई देता। इसके लिए सूक्ष्म आंखें चाहिए, वो आपके पास नहीं। बहरहाल ये चीजें आपके अंदर हैं या नहीं आदि सब बातें हम बाद में आपको बताएंगे किस तरह से इसे जानना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे इसके बारे में बताना चाहती हूँ तो एक साइंटिस्ट के जैसे खुले दिमाग से बैठिए। पहले ही से आपने अनेक किताबें कुंडलिनी के बारे में पढ़ी हुई हैं, योग के बारे में पढ़ी हुई हैं।
लेकिन सत्य क्या है उसे जान लेना चाहिए। किताबों से सत्य नहीं जाना जाता, कोई कहीं कहता है, कोई कहीं कहता है, कोई कहीं बताता है। लेकिन आप अगर साइंटिस्ट हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा खाली करके मैं जो बात बता रही हूँ उसे देखने की कोशिश करें। जिस तरह से कोई भी साइंटिस्ट अपना कोई हाइपोथेसिस आपके सामने रखता है, कोई ऐसी कल्पना करके रखता है कि ऐसी ऐसी बात हो सकती है, उसको वो फिर अन्वेषण करके और सिद्ध करता है, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट के साथ सिद्ध कर देता है कि वो जो कह रहा है वो बात सिद्ध है। उसके बाद वो चीज़ एक कायदा हो जाती, लॉ हो जाता है। इसी प्रकार जब मैं आपसे इस कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी तो आप लोग ये मत सोचें कि आपने फलानी किताब पढ़ी है इसलिए माताजी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। किसी किताब को पढ़ करके आप उस किताब के लेखक तो नहीं हो जाते, पर लोग मुझसे ऐसा झगड़ा करते हैं मानो वो उस किताब के लेखक ही नहीं, किंतु वो सब कुछ उस कुंडलिनी के बारे में जानते हैं जो कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ। कृपया आप अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखें और मैं जो कुछ आपको कुंडलिनी के बारे में बता रही हूँ उसके और इस तरह से नजर करें कि शायद ये बात भी सही हो, इसे सुन लेना। जबकि हम एक अमीबा थे और वहां से आज जब हम एक इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में संसार में विचरण कर रहे हैं, तब हमारे अंदर अनेक परिवर्तन आते गए। ये हमारे अंदर जो कुछ भी हुआ है वो हमारे अंदर की उत्क्रांति की शक्ति से हुआ है, इवोल्यूशनरी पावर। ये हमारे अंदर उत्क्रांति की शक्ति किस जगह स्थित है कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, लेकिन अपने शास्त्र में इसके बारे में पूर्ण विवेचन है। सिर्फ संस्कृत भाषा में होने की वजह से शब्द इसके अलग अलग हैं। ये जो यहाँ 3, 1 और 20 का दूसरा और तीसरा, मार्ग दिखाया गया है जिसे कि चैनल कहना चाहिए, उसे नाड़ी कहते हैं संस्कृत भाषा में। उसमें से जो लेफ्ट साइड में हृदय के पास में नाड़ी है इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो बीच में है उसे सुषुम्ना कहते हैं, और जो राइट साइड में है उसे पिंगला कहते हैं। इस प्रकार 3 नाड़ियां हमारे यहां अंदर दौड़ती हैं जो कि गुप्त है, अंडर करंट है, और जिससे हमारे अंदर लेफ्ट और राइट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और बीच में पैरासिंपथेटिक सिस्टम नाम की व्यवस्था हो जाती है। ये तीनों ही संस्थाएं ऑटोनॉमस नाम ऑटोनॉमस के नाम से जानी जाती है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब अगर डॉक्टरों से पूछो कि ऑटो का तो मतलब होता है स्वयं चालू, और ये स्वयं कौन है तो डॉक्टर नहीं बता सकते कि ये स्वयं कौन है, वो भी बहुत प्रामाणिक है। वो कहते भाई इसके मामले में हम नहीं बता सकते, इससे आगे हम नहीं जा सकते। हाँ, ये जानते हैं इस तरह की संस्थाएं हमारे अंदर कार्यान्वित है, ये किस प्रकार है, कैसे काम करती है, इस मामले में हम ज्यादा नहीं बता। जो बीच में सुषुम्ना नाम की संस्था है यही वो इवोल्यूशनरी उत्क्रांति वाली संस्था है। इसमें कौन सी शक्तियां दौड़ती हैं? इसमें से जो पहली ईड़ा है इसमें महाकाली की शक्ति दौड़ती है। महाकाली की शक्ति से हमारा जो कुछ गत है, पूर्व है, पास्ट है, वो सब संकलित होता है। जैसे मैं आपको इस वक्त लेक्चर दे रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, जो भी आपको इसमें से संचित करना है, सब कुछ इस नाड़ी पर इकट्ठा होता है। और जो उस साइड में नाड़ी है, राइट साइड में, उससे हम जो कुछ भी आगे का है, फ्यूचर है, जो कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं, और जो भी हमारे शारीरिक व्यवहार होते रहते हैं, उसकी शक्ति जिसे कि महासरस्वती कहते हैं,
वो प्रवाहित होती है। लेफ्ट वाली नाड़ी में हमारा अस्तित्व, उसी के कारण हमारा अस्तित्व। इसीलिए इस नाड़ी को यह भी कहा जाता है कि इसी से हमारा विध्वंस भी हो सकता है। जिस नाड़ी से हमारा अस्तित्व है उसी से हमारा विध्वंस भी हो सकता है, हम खत्म भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि जिस सूर्य के कारण आज हम प्रकाशित हैं, जैसे ही वो मिट जाता है तो उसी के कारण अंधेरा भी छा जाता है। बीच की जो नाड़ी है जिसे कि सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इसी में हमारी उत्क्रांति यानी हमारे इवोल्यूशन की शक्ति प्रवाहित होती है। इस शक्ति को महालक्ष्मी शक्ति कहते हैं। ये तीनों शक्तियां एक सदाशिव की तीन शक्तियां होती हैं। एक ही परमेश्वर की तीन शक्तियां हो सकती हैं। इस पर बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो एक ही हैं, आप भी एक हैं, लेकिन आपकी आंखें हैं, नाक है, कान है, आपके अंदर अनेक शक्ति विचरण करती हैं, आप लेखक हैं और इसके अलावा आप गायक भी हो सकते हैं, आप पिता हैं, आप भाई हैं, आप किसी के बेटे भी हो सकते हैं। उसी प्रकार एक परमात्मा भी अनेक शक्तियों से युक्त है, उसमें से उसकी जो मुख्यतः तीन शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। जो पहली है वो हमारे अस्तित्व को देती है, एग्जिस्टेंस पावर। जो दूसरी है वो हमारे अंदर कोई सी भी कार्य करने की प्रवृत्ति या जिसे कहना चाहिए क्रिएटिव पावर, वो देती है। और जो तीसरी शक्ति है उससे हम उत्क्रांति या एवोल्यूशन करते हैं, माने अमीबा से आज तक इंसान जो बने, जहां तक हम बन पाए, जो कुछ भी हम बन गए, माने अब हम मानव हैं। मानव की एक अपनी चेतना है, उस चेतना पर वो खड़ा हुआ, उसमें वो परमात्मा को नहीं जानता, पर ये जानता है कि उसके अंदर कोई न कोई ऐसा अदृश्य रूप से छिपा है जो हर एक चीज को जानता है। इतनी हद पर मानव है। इस जगह वो इसी हद पर है जहां की वो जानता है कि कोई न कोई मेरे पीछे देख रहा है, दृष्टा बन करके, जिसे मैं नहीं जान पाता लेकिन वो मुझे जानता है, जो हर एक मेरी चीज को देखते रहता है। इतनी ही मानव की चेतना आज है। और उसे क्या होना, उसे कहां पहुंचना है, इसमें इसके बारे में साइंस में भी काफी सूत्र मिले जाते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी का विषय है जिसमें यूंग नाम के एक बड़े भरे साइकोलॉजिस्ट हो गए, जिसको फ्रॉइड ने पहले शिक्षा दी थी, पर उन्होंने बाद में फ्रॉइड की सारी ही थियोरीज को बिल्कुल ही नाकाम आया, आप कर दिया कह दिया बिल्कुल बेकार चीज है। उस यूंग ने यह बताया कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण हमारे अंदर संतुलन बनते रहता है। जैसे कि कोई एक इंसान था, उसको ऐसे स्वप्न अनेक बार आते थे कि वो अपने बेटे के आगे सामने झुक जाता था और उसके बेटे के सामने वंदना करता था। तो उसने जाकर के साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि इसके क्या वजह हो सकती है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता। उसने बताया कि मेरा उससे बड़ा रिश्ता खराब है, क्योंकि मैंने दूसरी पत्नी कर ली है, उसे एक तरह से बड़ी तकलीफ होती है। उसने कहा इसीलिए अंदर से ये शक्ति तुम्हें बता रही है, स्वप्न में आकर के तुम्हें शक्ति जता रही है कि देखो ये लड़का जो है राजा है, उसके सामने झुका करो। इसी प्रकार अनेक हजारों लोगों के उन्होंने स्वप्न लेकर के ये प्रस्थापित किया कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो अचेतन में बैठी हुई है, अनकॉन्शियस, लेकिन वो सर्वव्यापी शक्ति है। थोड़ा थोड़ा उन्हें सीखा गए, अंधेरे में टटोलने वाले कहां तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ तो उनको मिल गई बात कि ऐसी कोई सर्वव्यापी शक्ति है जो सोचती है, समझती है और हमारे अंदर संतुलन देती है और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। यूनिवर्सल अनकॉन्शियस करके उन्होंने बात। लेकिन देखिए मनुष्य उल्टा है,
अगर आप फ्रॉइड को पढ़ें उसके बाद यूंग को पढ़ें तो आप फ्रॉइड को उठा के समुद्र में फेंक देंगे कि ये बहुत ही एकांकी बिल्कुल बेकार चीज है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जितने भी पाश्चिमात्य देश हैं वेस्टर्न लोग हैं इन्होंने फ्रॉइड को माना यूंग को बिल्कुल नहीं माना। सारे लंदन शहर में सिर्फ 25 यूंग के लोग हैं और हजारों फ्रॉइड के चेले वहां बैठे हुए हैं और हजारों लोग उसके रास्ते पर चल गए। हालांकि जब आप उनसे कुछ भी बात विवाद करें तो कह नहीं सकते कि वो क्यों फ्रॉइड के पीछे पड़ गए और उसकी प्रणाली उन्होंने क्यों ली, जबकि इसे सिद्ध करके दिखा दिया ये मनुष्य का दिमाग इतना उल्टा और चौपट बैठ गया है कि जो असत्य है उसे वो पहले पकड़ता है और जो सत्य है उसे भागता है। वो ये नहीं जानता कि सत्य ही सारा सुख का साधन है और सत्य से ही आपका आनंद प्रस्थापित हो सकता है और किसी भी झूठे चीज के पीछे लगने से अंत में आप अत्यंत हानि पर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, आपका जो अंतिम लक्ष्य है जिसके कारण आपकी उत्क्रांति होने वाली है, जिसके कारण आप में आत्म साक्षात्कार होने वाला है, वो चीज आपसे वंचित हो जाएगी, आप उससे हट जाएंगे। ये जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है इसके बारे में मैं आपसे आज बताने वाली हूं। इस सुषुम्ना नाड़ी के बराबर नीचे आप देखिए त्रिकोणाकार अस्थि जो हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे में है उसमें कुंडलिनी स्थित है। यह एक शक्ति हमारे अंदर है जो कि सारे बच्चे की को फीटस कहते हैं या जायगोट कहते हैं उसे बनाकर बची हुई शक्ति इसके अंदर स्थित है। इसीलिए इसे रेसिडुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये बची हुई शक्ति इसमें आकर के 3.5 घेरे में बैठी है। अब वो क्यों 3.5 है ये भी एक बड़ा भारी गणित है, उसका भी बड़ा भारी गणित है। अगर आप अपने ऑटोमेटिक वॉच को देखें तो उसमें भी 3.5 ही वलय में ऑटोमेटिक वॉच बिठाया गया है जो कि हमेशा चलते रहता है। ये जो शक्ति यहां स्थित है इसमें हमारा जो कुछ गत है, जो गलतियां हमने की, जो पुण्य हमने जोड़े, जिस जिस रास्ते से हम गुजरते गए हैं उसके जितने भी मूल्यवान और जितने ही हानिकारक अनुभव हुए हैं सब इसके अंदर टेप रिकॉर्ड के जैसे रिकॉर्ड है। यह शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। अगर मैं कहूं कि यह शक्ति त्रिकोणाकार में रहती है तो आप किसी की किताब पढ़ लीजिए, कोई कथा पेट में रहती है, कोई कथा सर में रहती है, कोई कथा यहां रहती है। कल जो लोग यहां पर आए थे उनमें से कुछ लोगों ने देखा होगा कि यह कुंडलिनी यहां स्पंदित होती है त्रिकोणाकार अस्थि। इस वक्त कुछ लोग मेरे पैर पे आए थे तो उनकी ये त्रिकोणाकार अस्थि स्पंदित होने लगे जैसे कि कोई वहां हार्ट आ गया होगा। अनेक लोग इस प्रकार देख चुके हैं, लंदन में भी बहुत लोगों ने देखा है, इसके फोटोग्राफ भी लिए हैं, इसकी रील भी बनाई है। बहुतों ने इस चीज को देखा है कि यहां पर इस त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है। सबसे प्रथम सब में नहीं होता। अगर समझ लीजिए आप बहुत ही बढ़िया इंसान है, कल एक थे यहाँ आए थे चंदन सिंह करके पौड़ी के रहने वाले, वो खट से पार हो गए एक क्षण। अगर वो एक क्षण में हो जाते हैं तो उसका स्पंदन होना आदि वगैरह सब खत्म हो जाता है एक क्षण में। इतनी जल्दी गति करती है कि वो दिखा ही नहीं देता कि कहाँ वो स्पंदन किया कहाँ चला गया। पर ऐसे बहुत ही बिरले लोग होते हैं, अधिकतर लोगों का स्पंदन दिखाई देता, विशेषकर जिन लोगों का नाभि चक्र जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं ये पकड़ा हुआ होता है, उस वक्त कुंडलिनी धक्का मारती है और आपको दिखाई देती है कि कुंडलिनी यहाँ पर त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित हो रही है। वैसे भी अगर आप बुद्धि लगाए तो सोचे कि जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है वो क्या पेट में रखी जाएगी जहां बार बार धक्के पड़ते हैं? ऐसी जगह रीढ़ की हड्डी में रखी जाएगी जहां वो सुरक्षित रहे और जिसके बाद कोई सा भी ऐसा उसमें से तंतु न निकल पाए जिसके कारण वो दुख उठाए। और वो चीज हमारे यहां त्रिकोणाकार अस्थि बनी। दूसरी बात ऐसी भी सोचनी चाहिए कि त्रिकोणाकार अस्थि हमारे अंदर क्यों बनाई,
तुम्हें कोई ये नहीं पूछता कि ये क्यों है, पृथ्वी के अंदर में ऐसी शक्ति क्यों है जो हमें आकर्षण करती है? ये सवाल साइंस में पूछने का अधिकार नहीं है कि आप पूछे क्यों। कार्बन के चार हाथ हैं, क्यों है? हाइड्रोजन के दो हैं तो क्यों है? इसका उत्तर सिर्फ सहयोग में दे सकते हैं आप। इसका उत्तर साइंटिस्ट से साइंटिस्ट कोई ले आइए, वो कहेंगे है तो है, वही हम बता रहे हैं। माने जो कुछ विदित है वो बता रहे हैं, लेकिन जो विदित नहीं वो नहीं बता पाते, किसी चीज का कारण वो नहीं बता सकते। इसका कारण ये है कि इसका कारण सूक्ष्म है, और सूक्ष्म में वो इस इंसान की जो चेतना है उससे उतर नहीं, इस इंसान की जो चेतना है वो इतनी सूक्ष्म नहीं हुई कि उस सूक्ष्म को पकड़ ले जो इसका कारण है। मनुष्य को थोड़ा सा और सूक्ष्म होना है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में आप कोई चीज को देखते हैं तो वो माइक्रोस्कोप के बगैर आप नहीं ही देख सकते, देखने को सब ऐसी ही चीज दिखाई देती है। आपकी आंख को उस सूक्ष्मता दर्शक यंत्र को इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको उपयोग में लाना पड़ता है कि आप उस सूक्ष्म तक पहुंचे जहां से उसको देख सके। उसी प्रकार हमारी चेतना की जब तक वो सूक्ष्मता नहीं आती तब तक आप इस सूक्ष्म को जान नहीं सकते। इसीलिए मैं जो कल कह रही थी कि आपको पार होना होगा, ये जो त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी बैठी हुई है ये आपकी स्वयं मां। हर इंसान की अपनी कुंडलिनी अलग होती है, वो सिर्फ उसी इंसान की कुंडलिनी होती है, वो हर समय उसके साथ रहती है, चाहे वो मृत्यु पर हो, चाहे वो मरा हुआ हो, चाहे वो जिंदा, सिर्फ उसके स्थान बदलते हैं। ये कुंडलिनी आप जब से अमीबा थे तब से जिस जिस रूप में रहती रही आज इस रूप में आपके अंदर आकर्षित हुई है, और ये वहां बैठी हुई इंतजार कर रही है उस दिन का कि इसका अधिकारी जब सामने आए तो ये उठ करके आपका पुनर्जन्म करे। यही कुंडलिनी आपको पुनर्जन्म देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आप द्विज हैं, आपका जन्म दो बार हुआ। पहले आप अंडे थे और अंडे से आप मुर्गी जैसे हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पक्षी को भी कहा जाता है कि वो द्विज है, जो दो बार जन्म पाए वो द्विज कहते हैं। वही ब्राह्मण होता जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म उसी सूक्ष्म शक्ति का नाम है जिसकी मैं बात कर रही हूं, वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचता कि जन्म से वो ब्राह्मण है तो वो गलत फहमी में है। किसी ने मुझसे यहां तक कहा, मैंने गीता उतार पढ़ी नहीं है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि गीता में लिखा है माता जी क्या आप जन्म से ब्राह्मण होते। मैंने कहा कैसे हो सकता है, जिसने लिखा वो कौन था या किसका लड़का था, उसकी मां कौन थी, उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। जब उसने ऐसा लिख दिया तो औरों का क्या कहना जो ऐसा पढ़ते, वो ऐसा कभी लिख ही नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था, वो झूठ बात क्यों लिखेगा। इस तरह से बहुत से लोग अपने को सोचते थे कि हम ब्राह्मण हो गए, अति उच्च हो गए, जिसने ब्रह्म को खोजा वही ब्राह्मण होता है, और जो ब्रह्म के ओर नजर रखता है वही इस योग्य होता है जिसे पूजा जाए और बड़ा किया जाए, उसी को लोग संत कहकर पुकारते। फिर वो साईनाथ हो जिसने कि मुसलमान के घर में जन्म लिया हो, चाहे ईसा मसीह हो जिसने कि जू के घर में जन्म लिया था, और वो चाहे झोरास्टर हो जो ईरान में पैदा हुआ था। इस तरह की फालतू की जाति पाति की कल्पना बना करके हमने देश का इतना नाश करके रखा हुआ। जो राज्य करता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जो राज्य करता है वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो अब भी सत्ता में खोज रहा है। जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, और जो पैसे में खोजता है
वो वैश्य है, और जो किसी में भी नहीं खोजता, बस इधर उधर सबकी सेवा करके किसी तरह से पेट भरता, वो शूद्र है। जिनको आज हम शूद्र समझ रहे हैं वो ब्राह्मण से भी ऊंचे महाब्रह्म ब्राह्मण कहने चाहिए हैं, और जिनको हम ब्राह्मण करके बहुत बड़ा अधिकार दे करके मंदिरों में सबको भ्रष्टता में डाल रहे हैं, इनको सबको मंदिरों में से भगाना चाहिए। जो दूसरों से पैसा लेकर के अपना पेट भरते हैं वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो ब्रह्म से जीवित रहता है वो कभी भी दूसरों के पैसे की ओर देखता ही नहीं, उसकी उपजीविका अपनी रहती है, और वो ब्रह्म कर्म में इसलिए लीन रहता है कि उसमें मस्ती होती है, उसके मजे में रहते। आज तक आपने सुना है कि गुरु नानक ने कभी किसी से रुपया पैसा लेकर के अपना पेट भरा था? इस तरह के जो दरिद्री लोग होते हैं इनको ब्राह्मण कहना साक्षात ब्रह्म तत्व का अपमान करना, और आप लोग भी इसके कारण होते हैं क्योंकि आपने भी सत्य को वरण नहीं किया। वहां वो पंढरपुर में वो बड़वे लोग, ये तो राक्षसों के अवतार हैं। इतना ही नहीं, मैं गोकुल वृंदावन में गई थी, मैंने सोचा सारे कंस के अनुचर वहां पर आकर के और धर्म के नाम से पैसा कमा रहे। ब्राह्मण जो होता है वो अपने ब्रह्म तत्व को खोजता है और वो सुषुम्ना नाड़ी पे सात्विक होता है। सात्विकता का मतलब भी बड़ा गलत समझा गया है जो मैं बताना चाहती हूं। बहुत से लोग आजकल ये भी अर्थ लगाते हैं कि कोई अगर सात्विक हो जाए तो उसे डंडों से मारिए, उसको चुप रहना चाहिए। यही करते आए हैं आज तक अकलमंदी। कोई भी आदमी जो आपको सत्य बताने के लिए खड़ा हुआ उसके डंडों से मारा, और जिसने असत्य बनाया, आपको भटकाया, आपको गलत रास्ते पे चलाया, उसके आपने झोली भर ली, उसके महल खड़े किए हैं, उनके पास कैडलक की गाड़ियां और फलानी गाड़ियां रहती रही, और जो आदमी सत्य बोलता है उसके लिए आपके पास टाइम, अगर टाइम है तो उसको मार डालो, उसको जहर दो, नहीं तो उसको सूली पे टांगो, उसका बुरा हाल कर दो, उसकी सारी किताबें उठा करके नदी में फेंको। ये हमने ब्राह्मणों का हाल कर रखा था और रखा है, आज भी हम उसी दशा में हैं, आज भी हम यही करते आ रहे हैं। अच्छा, अगर इधर से इस चीज से अगर छूटे, धर्मांधता को लेकर के छूटे, तो हम जब दूसरी साइड में जाते हैं, अब यही आप देख लीजिए, ये जो लेफ्ट साइड है इससे आदमी की धर्मांधता बनती है, तो राइट साइड में आता है कि छोड़ो इस सब चीज को, भगवान नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ करके हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं, वो अपनी राइट साइड है। लेफ्ट साइड से आदमी अपने इमोशंस को बनाता है, अपनी भावनाओं को बनाता है। अपने देश में लोग भावनात्मक हैं, ज्यादा अधिक है, अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना घर, अपनी पत्नी, ये सब विचार है, कुटुंब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन राजकीय व्यवस्था खत्म। प्रदेश में राजकीय व्यवस्था अच्छी है, इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कुटुंब व्यवस्था एकदम खत्म। उनकी राइट साइड जगी हुई है और हमारी लेफ्ट साइड, इन दोनों के बीचों बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है उसे पाने का, लेकिन उसमें पाना बहुत मुश्किल है, उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो बीच में कटी हुई है। जैसे कि तीन सीढ़ियां हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और एक बीच में है जो अधूरी है। यही अधूरापन है जिसे मैं आपसे कह रही थी कि इस अधूरेपन को पूरे करे बगैर आपको आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। अब इसे हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में, मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसे नहीं कहते हैं, ये तो अंतर्हित अंडर करंट है, लेकिन इससे जो मैनिफेस्टेड है बाहर उसे कहते हैं, और बीच वाली को पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक जो बीच की संस्था है ये ही आप है, संचित शक्ति है जो आपके अंदर स्टोर शक्ति है, और जो कि लिमिटेड है, जो कि अनलिमिटेड नहीं लेकिन बिल्कुल ही सीमित है, असीम नहीं है, उसी
शक्ति को इस्तेमाल करते। जैसे समझ लीजिए कि मेरे हाथ में, मैं दिखा रही हूं आपसे, इस प्रकार आप देखिए तो बीच में जो ये गोल हो रहा है ये एक चक्र है, एक सेंटर है, और इस तरफ में लेफ्ट साइड और इस तरफ से राइट साइड की शक्ति आ रही है, और ये जो बीच में सेंटर है इसमें से सुषुम्ना नाड़ी जा रही है। इसके बीचों बीच इस प्रकार यहां हमारे अंदर 7 मंजिल बने हुए हैं। हम लोगों ने अभी तक जो मंजिल तय किए हुए हैं वो सारे इसमें बने हुए हैं। ये कुंडलिनी शक्ति जो नीचे में है इसको से गुजर के जाना है, चक्र कहा जाता है। हर एक मंजिल पर एक एक चक्र है। जब इनको चक्र कहते हैं तो लोगों को लगता है मां क्या कह रही है, पर इसी को अगर मैं कहूं कि इन्हीं चक्रों से हमारे अंदर दूसरे प्लेक्सस बनते हैं जिनके नाम डॉक्टर लोग जानते हैं, और उसके बारे में हमारे किताब में आप अगर पढ़ें तो विशद तरीके से बताया गया है उनके क्या नाम है और वो क्या क्या कार्य करते हैं। अब जो ये बीज की शक्ति है, ये शक्ति हमारे अंदर कितनी प्रस्थापित हुई है उसे पहले देखना चाहिए और आगे क्या होने वाली है उसे भी देखना चाहिए। जब हम जानवर से मनुष्य हुए तो आखिरी चीज हमने की कि हमने अपनी गर्दन उठा ली, बीचों बीच आ गए, पृथ्वी से हमने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली और बीचों बीच अपनी गर्दन को ले लिया। इस दशा में हम जानवर से मनुष्य की दशा में आ गए, बाह्यता बाहर से, लेकिन अंदर से हमारे अंदर कितनी बातें आई हैं इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सबसे तो पहली चीज हमारे अंदर यह आई कि हमने ये जाना कि मनुष्य के अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उसको सस्टेन करती है, जो उसको पालती है, पोसती है, सस्टेनेंस पावर, और जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। जैसे सोना है, वो इसलिए सोना कहलाता है कि वो खराब नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य वो होता है जिसके अंदर ये धर्म, 10 धर्म जो बनाए गए हैं वो स्थित होते। जिस मनुष्य के अंदर ये 10 धर्म स्थित नहीं होते वो अभी अधूरा। जानवर कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है, बिच्छू कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है। हम इसके बारे में सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा धर्म क्या। ये जो बीच में जगह टूटी हुई है इसको लांघने के लिए, कुंडलिनी के ऊपर चढ़ने के लिए हमको ये 10 धर्म संतुलन में रखने। इन धर्मों को हमें ऐसा रखना चाहिए कि जब यह कुंडलिनी चढ़े तो इसमें रुकावट ना आए। अंत में तो कुंडलिनी के चढ़ने से ही आप पार होंगे, लेकिन ये जो 10 धर्म हमारे अंदर में बताए गए हैं इनको हमें संतुलन में रखना चाहिए। अब बहुतों ने बता दिया, कोई मैं नहीं बता रही। जो भी सदगुरु आए हैं, सदगुरु मैं कह रही हूं, गुरु घंटाल नहीं, जो सदगुरु आए हैं सबने इस धर्म में अनेक बार चर्चा की है। कहा मोजे सॉक्रेटिस, यहां तक कि आप देख लें राजा जनक, उसके बाद में मोहम्मद साहब, नानक साहब, जोरास्टर, इन सब ने यही बात कही कि अपने धर्म को संतुलन में रखो। उसमें से एक चीज जिसको लेकर के हम लोगों ने बड़ा राजकीय वितंडवाद बना दिया है वो ये है कि शराब नहीं पीना।
अब जो आदमी शराब पी करके यहाँ कुंडलिनी जागरण करने आए उसकी नहीं होती कुंडलिनी, फिर वो मुझे मारने बैठता है। माता जी कुछ भी करके मेरी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, चाहे मुंह से उसके शराब की बात आ रही हो। लेकिन वो तो बिल्कुल डंडा लेके मेरे सामने बैठता है, कहता नहीं करनी चाहिए। अब ये सब बेवकूफ है जिन्होंने कहा कि शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि शराब आपके चेतना के विरोध में जाती है। शराब भगवान ने क्यों बनाई? बहुत से भी पूछते हैं, पॉलिश करने के। पॉलिश है वो, सादा पॉलिश है। शराब माने पॉलिश है, फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है वो पॉलिश है। और उस पॉलिश को पीने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया था, लेकिन किसी मूर्ख के हाथ लग गई, उसने पिया, उसको नशा चढ़ गया, तो वो शराब पीने लगे। जब आपकी कुंडलिनी जागरूक होकर के नाभि चक्र को भेजती है कि मुश्किल है शराब पीना, मुझे कहना नहीं पड़ता, अपने आप। अच्छा अब साइंटिफिकली बताऊं शराब में क्या होता, धार्मिक छोड़िए, बड़ा मुश्किल है। साइंटिफिकली जिस वक्त आप शराब पीते हैं और शराब जब अपने शरीर में जाता है तो ये फर्मेंटेड जो चीज होती है, ये शरीर में जाने से हमारे शरीर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH आयन्स जो हमारे पानी में होते हैं उसकी प्रकृति बदल जाती है, उनका डायग्राम बदल जाता है। उसके बदलने की वजह से हमारे शरीर में जहां पर भी शराब पहुंचती है, जैसे लिवर खासकर खराब हो जाता है, लिवर में जब शराब पहुंचती है तो वहां क्या माहौल बदल जाता है, वहां का वातावरण बदल जाता है, कि वहां की जो OH की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो आयन होता है पानी के अंदर, वो इस तरह से बदल जाता है कि जितनी भी गर्मी होती है लिवर की उसे वो नहीं ले पाता, और लिवर में गर्मी बढ़ती जाती है और वो पानी में नहीं बहती। शराबी आदमी के कभी टेम्परेचर नहीं आता, उसके लिवर में गर्मी हो जाती है। हम लोग अगर हाथ रखे तो मार जलता है हाथ, उसके लिवर में हाथ रखने से, पर उसको नहीं पता चलता क्योंकि उसके शरीर में गर्मी नहीं आती, गर्मी वहीं एकत्रित उस ऑर्गन में होने लग जाती। कैंसर पेशेंट के भी ऐसा ही होता, कैंसर में भी यही OH आयन जो है वो इस तरह से अपने को बदल लेता है कि वो अपनी गर्मी को अपने अंदर से वहन नहीं करता, इसलिए वो खून में गर्मी नहीं आती, इसलिए आपके टेम्परेचर नहीं आता। कैंसर पेशेंट को कभी भी बुखार नहीं आता, अगर आ जाए सर्दी वर्दी से, पर कैंसर से नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि शराब कितनी खतरनाक है। और जब ये चीज आपके अंदर घटित होती है तो आपका जो ऑर्गन जिसमें की गर्मी इकट्ठी हो जाती है वो इस कदर तप्त हो जाता है कि आपका कार्य तो सब खत्म हो ही जाता है, उस ऑर्गन का सारा कार्य तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन थोड़े दिन में आप भी गलने लग जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको उसकी गर्मी जो महसूस नहीं होती है इसलिए आप उसको पीते ही रहते हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती और उसका मजाक आते रहता है तो आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, और इसी कारण ये चीज बनती जाती है बनती जाती है। अंत में जाकर के जब हालत बहुत खराब हो जाती है तब पता हुआ कि किसी रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं बड़े भारी साहब, कोई नेता साहब थे, वो औंधे पड़े हुए हैं किसी नाली के अंदर में। लोग कहते हैं चलो शराबी का मर्ग खत्म कर, पर तो भी थोड़ा घटले तो चाले का माता जी। पर सहजोग का इलाज और है, जब कुंडलिनी ऊपर छेद करके ऊपर चली जाती है तो पी नहीं सकते आप, मुश्किल काम है।
करती होगा तो उल्टी होगी, फाया मुसीबत चक्कर आएंगे तुमको, अपने आप से छूट जाएगा। अगर ये नहीं हुआ और तुमने जबरदस्ती और पीना शुरू किया तो वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाएंगे। उसके बाद यहाँ आकर मेरे जान को लगोगे मैं इतने दिन से सहयोग कर रहा हूं, मेरे वाइब्रेशन छूट गए। जब तुमको कोई चीज को मना किया है तो उसको और भी जबरदस्ती करना चाहिए, ये भी मनुष्य का स्वभाव है। अगर कहा जाए बेटा नहीं पियो, अरे उससे ये हो जाता है, तो उसको डबल करना ही चाहिए। उसका उदाहरण है मुसलमान लोग, जितनी शराब मुसलमान पीते हैं, जबकि मोहम्मद साहब एकदम मना करके गए थे लंदन में, उनके मुकाबले में सिर्फ अपने सिख भाई बैठ सकते हैं जिनको नानक साहब एकदम मना करते हैं। ये लोग जितनी शराब पीते हैं उनके आगे तो अंग्रेज भी साष्टांग है। उधर सिखों ने अभी झगड़ा खड़ा किया कि हम सर पे वो घमेला नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम उस पर जाते हैं बाइक पे तो घमेला नहीं पहनेंगे। उसके लिए जलूस निकाले, फलाने किए, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, ऐसे कह रहे माता जी इनका क्या इलाज है। मैंने कहा उनसे जरा पूछो कि तुम्हारे इसमें क्या मना, किस चीज को मना किया। हर तरह की किसी भी मादक चीज को पूरी तरह से जहां मनाई की है वहां वो घमेले नहीं पहनने से क्या आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस तरह पीते हैं लोग, इस व्यंजन जिसे कहते हैं, और वो लोग पीते हैं जिसे उस चीज की मनाई। मुसलमानों को बुरी तरह से मना किया गया, जूस को क्योंकि मोजस ने वो धर्म शुरू किया था इसलिए उसने भी मना किया हुआ, और अपने हिंदुओं को तो भाई जो भी करो फ्रीडम है। तो मुझे एक साथ कहने लगे कि सोमरस पीते थे देवता। मैंने कहा क्या वो राक्षस थे क्या जो शराब पीते थे, उसका नाम मदिरा है सोमरस नहीं। किसने बताया कि सोमरस का मतलब शराब है, किस हिसाब से लगाया आपने। सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा यही चंद्र नाड़ी को कहते हैं जो लेफ्ट साइड में है, और इसका रस क्या है यही जो आपके हाथ से बह रहा, इसका नाम सोमरस हो गया। देवताओं को ही पीने का था, जो देवता हो गए माने जो पार हो गए उन्हीं को ये सोमरस पहने पीने की व्यवस्था थी। और जो अश्विनी कुमार जो वैद्य थे उनके लिए तक मनाही थी कि तुम नहीं चलो, क्योंकि तुम वैद्य हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम अपने दवाइयां बेचते हो तो तुम्हें नहीं मिल सकता। उसका अर्थ उन्होंने यह लगाया कि पहले देवता लोग शराब पीते थे, तो भगवान ने बचा रखे, संसार का काम कैसे होगा, सब लोग साइक पे ही चले जाएंगे। देवता लोग कोई हमारे जैसे पागल नहीं है, वो लोग जीवित अत्यंत विशेष व्यक्तियां हैं जो इन चक्रों में स्थित है। मनुष्य अपने दिमाग से ही देवता भी बना लेते हैं और उनको भी अपने जैसा बना लेते हैं। कम से कम हिंदुस्तान ने इतना ज्यादा नहीं किया है, किया तो सब कुछ लेकिन चला नहीं, किसी ने माना नहीं। पर ग्रीक भगवान को देखिए तो उन्होंने सबके नमूने बना के रखे हैं। उन्होंने सोचा देवता ही को ऐसे बना दो तो हमारा जो सारा कारोबार है वो आराम से चलते रहेगा। हम कहते थे देवता ही पीते हैं, देवताओं ने ये धंधे करें तो हमें क्या हर्जा। इसीलिए मैं कहती हूं ये भारत भूमि एक योग भूमि है, कितना भी आदमी गधा बन जाए लेकिन इसकी धूरी नहीं बिगड़ती। आदमी ये समझते रहता है कि ये मूर्खता है, हालांकि मैं मूर्खता की बात कर रहा हूं पर ये मूर्खता, पर परदेश में लोग मूर्खता करते हैं और सोचते हैं बहुत ही उन्होंने अकल की बात की। तब मुझे समझ भी नहीं आता है कि उनसे कैसे बताना चाहिए इसे मूर्खता हम लोग समझते हैं। हाँ कर लेते हैं, यहां से जो अंग्रेज बनने जाते हैं थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि ये मूर्खता। ये जो हमारे अंदर 10 धर्म बताए हैं उसके बारे में मैं अधिक नहीं बताऊंगी, लेकिन बाइबल में इसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। अपने यहां भी गांधी जी ने 11 व्रत बताए हैं, उसमें से एक व्रत उन्होंने कहा स्वदेशी उन्होंने जरूर लगाया था,
उस जमाने में स्वदेशी पहनने की बहुत जरूरत थी, उन्होंने कहा था स्वदेशी, स्वदेश में जो बनता है उसको पहनो, इसलिए वो 11 व्रत उन्होंने बनाए थे। वही 10 व्रत है, वही 10 व्रत अनेक बार बताए गए और कोई भी कठिन नहीं है, सबसे आसान। अब शराब पीना है तो कोई सोपा काम तो नहीं, बड़ा महंगा वाला काम है साहब, और इतनी आफत है उसकी मैं आपसे बता नहीं सकता। हम जब यहां बंबई में रहते थे तो हमने तो साहब से मना किया था कि घर में कोई आए चाहे उसको शराब देना ही नहीं, हमारे बच्चा नहीं, हमारी हालत खराब हो जाती शराब को देख के। तो कहने लगे कि हाँ ठीक है, जब लंदन गए तो कहने लगे कि यहाँ तो सब डिप्लोमैट्स आएंगे, तो मैंने कहा एक कमरा इन शराबी कब आदमी खुले बना दो, उसमें शराब रखो। आपका आश्चर्य होगा कि शराब के सिर्फ वो जो टम्बलर्स आते हैं वही कोई 1,000 पाउंड के खरीदने पड़े, उसके ही नमूने होते हैं, फिर उसका सरदर्द होता है, फिर उसकी आफत, फिर कोई शराब पी ले तो कभी कोई ऐसा खींचता हाथ तो कोई ऐसा खींचता है, शेख हैंड करना मुश्किल। यानी जो सबसे कठिन चीज है उसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही आसान, और जो सबसे आसान है कि पियो ही नहीं सारे प्रॉब्लम था, पी करके क्या मिलता है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। इसी दिन आप लोग इधर आकर के मैं उधर बैठूंगी, मुझे समझाइएगा। इसी प्रकार सिगरेट के लिए मना, तंबाकू क्या है, इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने की बीमारी दवा, इंसेक्टिसाइड। अब आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गंटूर गई उस साल, मैंने सबसे कहा कि तंबाकू यहां काय को लगा के रखी है तुमने, कल हम तो परदेश बेचते हैं माता जी, अपने देशवासियों को नहीं बेचते, हम तो बड़े धर्म वाले, हम पीते नहीं है परदेश को बेचते। मैंने कहा ये पाप नहीं क्या, परदेश को बेचते तो कोई पाप नहीं है, चले इसमें क्या पाप है, हमारे भाई बहनों को तो हम नहीं पिलाते, बाहर भेज रहे हैं। मैंने कहा देखो बेटे उसको खत्म करो, नहीं तो देखो ये समुद्र आकर खा जाएगा तुम लोगों को। समुन्दर जो है वही वो गुरु तत्व है, वही धर्म सिखाने वाला गुरु है जो ये चीजें करेक्ट कहता करते रहता। मैंने कहा कि देखो समुद्र के किनारे पे संभल के रहना, अगर ये बिगड़ जाए तो सारी तुम्हारी जमीनें खत्म हो जाएंगी। वहां दो ही चीज मैंने गुंटूर में देखी, एक तो देखा कि बुरी तरह से वहां ये इसके लगाए हुए थे तंबाकू के पेड़ हर जगह, और इसके किनारे पर कुछ आदिवासी लोग बैठे हुए थे और वो खूब काली विद्या और दुनिया भर की विद्याएं करते बैठे हुए। दो तरह के लोग थे, एक तो खूब तंबाकू लगा रहे थे और एक लोग जो है वो एक अजीब तरह का वहां पर खेल कर रहे थे मृत्यु के तरह। मैंने कहा कितना अंधेर है, मेरे दो तीन टेप में बात है, मैंने उनसे कहा था कि देखिए ये खत्म करें। उन लोगों ने बड़ा उसको बुरा माना, उसके बाद जब मैं चली आई तो मेरे को चिट्ठी भी नहीं लिखी, बहुत मेरे से गुस्सा हो गया। लेकिन दूसरे साल समुद्र बिगड़ा और जहां जहां इन्होंने तंबाकू लगाई थी वो सारी जमीन ही खारी कर डाली, खत्म कर। कोई इंसेक्टिसाइड अगर स्मोक करे उसको धुआं ले अंदर तो क्या होता है, धर्म में पहले देखें। यह स्थान जो विशुद्धि का है, आज देखिए बहुत कम लोग खास रहे हैं, आपने इस बात को नहीं नजर दिया, कल बहुत खास रहे। ये जो विशुद्धि का स्थान है जहां श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं, जहां हमने गर्दन उठाई तब हमने ये जाना कि हम कोई बड़े भारी विराट के एक अंग प्रत्यंग आए। इस जगह इस विशुद्धि चक्र पे जब हम स्मोक करते हैं तो इस विशुद्धि चक्र में जो धुआं जाता है वो श्री कृष्ण को मंजूर नहीं, इसलिए वो वहां सो जाते हैं। इसके साथ में 16,000 नाड़ियां बनी हैं जिसकी मेन 16 सप्लेक्सेस है, जिसे ईयर नोज थ्रोट माउथ फेस दांत कान कपाल और आंख का बाहर का हिस्सा, ये सब कुछ उसे चलता है। अब आपने एक दो पैसे की सिगरेट पी, उससे वहां श्री कृष्ण नाराज हुए और आपकी सारा ही चेहरा बदल गया, सारे ही मुंह की रौनक बदल गई,
सारा मुंह का तेज उतर गया, आंखें धुंधला गए, सब तरह की तकलीफें एक इस दो पैसे के सिगरेट से हो सकती है, इतना ही नहीं एक बुरी तरह की चीज यहां जम सकती है जिसका नाम कैंसर है। एक तरह से कैंसर के आने से भी अच्छा ही हुआ कि लोग जागरूक हो गए। सहयोग में जब कुंडलिनी इस चक्र को छेद जाती है उसके बाद आप नहीं स्मोक कर सकते, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। एक साहब सिंगापुर में बहुत स्मोक करते थे, मुसलमान थे वो। वो जब मेरे पास आए और जब उसके बाद पार हो गए तो उनके अंदर एक बड़ी गुगुल की, गुगुल आप जानते हैं एक तरह का इंसेंस होता है, उसकी खुशबू आने लगी, बहुत खुशबू आई, सारे कमरे में खुशबू आने लगी। उसके बाद वो जब भी सिगरेट मुंह में लगाए तो उनके खुशबू आने लग जाए, उनकी सिगरेट छूट गई। उसके बाद उनकी बीवी भी जो बहुत विरोध में थी सहयोग के, वो भी सहयोग में आ गई। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और यहां जब प्रकाशित करती है तो श्री कृष्ण जागृत हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई सिगरेट पीने की कोशिश करे तो सुदर्शन चक्र चलाते हैं फिर अपना हो। और आप भी अपने को देख करके समझते हैं कि वाह मियां अब आपका क्या हाल हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो नाभि चक्र है ये आपको सस्टेनेंस देता है, उत्क्रांति की शक्ति देता है, और इसमें श्री विष्णु जी का स्थान है। श्री विष्णु जो है वो हमारे अंदर सस्टेनेंस देते हैं। विष्णु जी कोई हिंदुओं के मुसलमानों के भगवान नहीं, वो परमात्मा का वो स्वरूप है जिसके कारण हमारे अंदर उत्क्रांति होती है और उनका स्थान